यह तीन साल का प्रोग्राम होता है विच इज ऑफर्ड बाई न्यूमरस लॉ इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज हाउ एवर देर आर अ फ्यू इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग वन ईयर ड्यूरेशन कोर्स टू किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशंस टू एल एल एम आर कंडक्टेड बेस्ड ऑन एल एल एम एंट्रेंसेस वेयर द कैंडिडेट्स आर टेस्टेड बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल रीजनिंग हेलो एक्सपीरेंट्स कैसे हैं आप सब आई एम अनुकृति एंड आज के वीडियो में हम डी यू एल एल एम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे ये एग्ज़ाम क्या है इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न एलिजिबिलिटी एंड इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेली ही डी यू एल एल एम एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिशन इन टू द एल एल एम कोर्स जो कि फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऑफ़र्ड है फैकल्टी ऑफ लॉ में दो तरह के एल एल एम प्रोग्राम होते हैं पहला टू ईयर्स एल एल एम प्रोग्राम टू ईयर्स एल एल एम एक फ़ुल टाइम कोर्स है जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि स्टूडेंट्स हैं यानी कि वो लोग जो या तो किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट में नहीं हैं या फिर किसी तरह के ट्रेड प्रोफेशन एंड बिजनेस और ऑक्यूपेशन में इंगेज नहीं हैं इन स्टूडेंट्स को एक एफिडेविट देना होता है स्टेटिंग द सेम एट द टाइम ऑफ देर एडमिशन दूसरा होता है थ्री ईयर्स एल एल एम प्रोग्राम थ्री ईयर्स एल एल एम एक कम्प्लीट तीन साल का कोर्स होता है जो स्पेसिफिकली उनके लिए होता है जो कि किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट में है या फिर वो किसी तरह की ट्रेड प्रोफेशन एंड बिजनेस और ऑक्यूपेशन में इंगेज हैं यानी कि आप चाहे एक वर्किंग इंडिविजुअल हो या फिर एक स्टूडेंट आप दोनों ही केसेस में डी में एडमिशन ले सकते हैं टू परस्यू योर एल एल एम बट डी यू एल एल एम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को डी यू एल एल एम एंट्रेंस टेस्ट देना होता है एंड एडमिशन टू एल एल एम इज मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ डेली एवरी ईयर अब बात करते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम क्योंकि ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है एंड दैट टू लॉ का इसलिए इसमें थ्री ईयर या फाइव ईयर एल एल बी डिग्री होना ज़रूरी है ये डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ डेली की भी हो सकती है या फिर किसी और इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी हो सकती है जो कि या तो डी यू से रिकोगनाइज हो या फिर इक्विवेलेंट हो यूनिवर्सिटी ऑफ डेली के अब कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपेयर इन द एल एल एम एंट्रेंस टेस्ट इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स और उसके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट का एग्रीगेट चाहिए इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन वहीं फॉर एस सी एस टी ओ बी सी सी डब्ल्यू एंड पी डब्ल्यू डी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यह क्राइटेरिया 45 परसेंट मार्क्स या फिर उसके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट के एग्रीगेट का होता है क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन में अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की इस पेपर का एग्जाम पैटर्न भी सा, बाकी सारे एग्जाम पैटर्न जैसा ही है डी यू एल एंट्रेंस एक ऑनलाइन एग्जाम है जिसकी ड्यूरेशन टू आवर्स की है टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन पेपर आता है जिसके अंदर हंड्रेड एम होते हैं एंड इन सभी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है यानी जो पेपर की लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है हर एक क्वेश्चन फोर मार्क्स का होता है फॉर एवरी करेक्ट आंसर फोर मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर वन मार्क डिडक्ट किया जाता है अन आंसर्ड क्वेश्चन पर कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो ना ही आपका कोई मार्क्स डिडक्ट होगा ना ही कोई आपको मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा अब बात आत आती है इसके सिलेबस की जैसे कि हमने डिस्कस किया कि टेस्ट पेपर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ वन क्वेश्चन पेपर इन विच देर विल बी हंड्रेड क्वेश्चन of objective type with multiple choice answers covering subjects like constitutional law of india jurisprudence law of contracts sales of goods law of torts consumer protection criminal law family law public international law intellectual property law cyber law environment law company law and partnership and also a few questions may address contemporary legal issues too डिटेल्स के लिए आप फैकल्टी ऑफ लॉ डी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हैं वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो फिर चलिए अब जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से होते हैं एंड इनका वेटेज भी डिफर करता है क्वेश्चन पेपर में जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड उनसे काफ़ी अमाउंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं कुछ सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है क्योंकि उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं बट ये सभी सब्जेक्ट कवर करना बहुत जरूरी होता है टू बी वेल प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस की जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम में तो इसी पॉइंट को दिमाग में रखकर चलिए बात करते हैं इनके बारे में हर न्यू फेज़ न्यू चैलेंजेस लाता है जैसे कि जब आप अकेडमिकली ग्रो करते हैं वैसे ही द लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स यू गिव स्टार्ट बिकमिंग टफर एंड टफर एंड जब आप डी यू एंट्रेंस टेस्ट की हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी but do not worry with the right strategy and preparation you can easily crack it and is video mein hum aapko help karenge to strategically plan and divide the syllabus so you can prepare for the test in the best way possible ab महाभारत में अर्जुन के अलावा कोई भी और कौरव या पांडव चिड़िया की आंख को भेद नहीं पाया था हम अगर किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट बनाकर चल रहे हैं तो वी मस्ट बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि हम किस चीज़ के लिए एम कर रहे हैं एंड हम क्यों उस चीज़ को चाहते हैं हम उसे कैसे अचीव करेंगे एंड हमें उसे अचीव करने के लिए क्या क्या करना होगा टू बी प्रिपेयर फॉर एनी एग्ज़ाम एंड स्पेसिफिकली फॉर सच हाई लेवल एग्जाम्स ऑफ लॉ एंट्रेंसेस यू हैव टू बी थॉर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ इसके अलावा यू मस्ट हैव द नॉलेज कि किस तरह के क्वेश्चन हैं कितनी डेप्थ में पूछे गए हैं एंड उन्हें कैसे सॉल्व करना है बाय डूइंग दिस आप एक स्टेप कवर कर लेते हैं इन योर प्रिपरेशन विच मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू एनालाइज द डिफ़िकल्टी लेवल अब प्रिवियस एग्जाम्स को एक बार अच्छे से एनालाइज करिए क्योंकि जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक सिस्टमैटिक अप्रोच एंड प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप हर एग्जाम को ईजिली डील कर सकते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एंड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अब आती है बात टाइम टेबल की टाइम टेबल के इम्पॉर्टेंस के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं वी नो दैट इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू स्ट्रेटेजाइज योर वर्क एंड अचीव योर गोल्स किसी और का टाइम टेबल फॉलो करने की बजाय अगर आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक स्केड्यूल प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आप अपने पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हैं कितने आवर्स के सब्जेक्ट को देंगे कब और कितने टाइम का ब्रेक लेंगे ये सब स्ट्रेटेजाइज कर लीजिए इन सब का एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लीजिए

हर पेपर को सॉल्व करने के बाद आप उसे अच्छे से एनालाइज भी करते हैं टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर मेन सब्जेक्ट दैट इज लॉ लॉ इज वेरी डिटेल्ड एंड वास्ट टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड टू कवर दीज सब्जेक्ट्स यू हैव टू फॉलो द बोथ वेज ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आपको सिलेबस के अंडर गिवन सारे सब्जेक्ट्स के बेरेट्स को अच्छे से पढ़ना होगा साथ में ही उनके इंडेक्स को भी अच्छे से रेफर करना होगा उनके सभी सेक्शंस एंड आर्टिकल्स को सिर्फ रीड करना बस इनफ नहीं होगा उन्हें ब्रेक करके इंटरप्रेट करना जरूरी है द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद पोर्शन यू हैव टू कवर अंडर देम इज ह्यूज तो बेटर होगा अगर आप इन्हें सेग्रीगेट कर ले थ्री पार्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्वेश्चन को आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं प्लीज ट्रीट एवरी सब्जेक्ट विद द सेम सिंसियरिटी क्योंकि जरूरी तो सभी सब्जेक्ट्स हैं बस नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर जाता है एग्जाम पेपर में तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजर सब्जेक्ट से फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विथ ऑल दीज मेजर सब्जेक्ट्स जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका क्वेश्चन पेपर में काफ़ी मेजर पोर्शन होता है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जीज प्रिडेंस क्रिमिनल लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स इन सभी पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा इन्हें काफी डीपली देखना होगा इनके कॉन्सेप्ट रिलेटेड केसेस रीसेंट ट्रेंड्स इन सब पर आपका पूरा कमांड होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में पेपर में अगर आप इन सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली कवर कर लेते हैं तो आपका काफी बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है क्वेश्चन पेपर का विच विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू ओनली सेकेंड बात करते हैं कुछ कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की सो यू शुड डील विद द सब्जेक्ट्स लाइक टॉट कंपनी लॉ इन्वामेंटल लॉ इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन सब्जेक्ट्स की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है बट इनका पोर्शन कंपैरेटिवली कम होता है एग्जाम पेपर में बट इनके बारे में भी प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट यू मस्ट कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट केसेस रिसेंट इवेंट्स एंड ट्रेंड्स रिलेटिंग टू दीज सब्जेक्ट्स थर्ड आप रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का पर फोकस कर सकते हैं जैसे कि फैमिली लॉ आई एक्ट पार्टनरशिप एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्सट्रेट एक्सेट्रा इन सब्जेक्ट्स को आप प्रॉपर अटेंशन एंड डिटेल्स के साथ भी कवर कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर होगा बट अगर देर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम तो आप इन्हें एक ओवर व्यू भी ओवर व्यू लेकर भी पढ़ सकते हैं दैट शुड हेल्प यू आउट बट आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग प्लीज डू नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट एट ऑल सबसे बेहतर यही होगा कि आप हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम एंड अटेंशन दें क्योंकि हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है बस नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी फ्रॉम द राइट सोर्स ये राइट right सोर्सेस क्या हैं ये भी पता होना जरूरी है और इसके लिए प्रॉपर रिसर्च करना जरूरी है रेदर देन क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट लिंक ऑन योर ग्रुप गूगल सर्च अगर आप इस पर प्रॉपर रिसर्च करेंगे एंड कंपेयर करेंगे कि कौन सी वेबसाइट ज़्यादा बेटर होगी या किस बुक में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन है तो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा वी विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन दिस आप चाहें तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बैरिक्स को पढ़ सकते हैं रेफरेंसेज बुक देख सकते हैं वीडियोज को वीडियोज़ को रेफ़र कर, कर सकते हैं एंड आप कुछ गाइड बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर हेल्प लाइक एस एस हैंड बुक फॉर एल एल एम एंट्रेंस एग्ज़ाम बाई सिंगल लॉ पब्लिकेशंस यूनिवर्सल गाइड टू एल एल एम एंट्रेंस एग्ज़ाम बाई गौरव मेहता एसेंस लॉ गाइड फॉर एल एल एम एंट्रेंस एग्ज़ाम बाई अशोक के जैन सिंगल सॉल्व पेपर्स फ़ॉर एल एल एम बाई सिंगल लॉ पब्लिकेशंस एस एस हैंक बुक फॉर एल एल एम एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड ऑन द न्यू सलेबस बाय विशाल सिंह साथ ही में आप लॉ एक्सपेरेंस पर अवेलेबल टेस्ट सीरीज़ को भी रेफर कर सकते हैं ये टेस्ट सीरीज लेटेस्ट पैटर्न फॉर डी यू एल एल एम एंट्रेंस पर बेस्ड है एंड इसे आप हमारी वेबसाइट पर डी यू एल एल एम मॉक टेस्ट सीरीज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के नेम से सर्च कर सकते हैं इसमें एनरोल करने के बाद आपको टेन फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं विच विल बी कम्प्राइजिंग ऑफ हंड्रेड क्वेश्चन ईच विथ सोल्यूशंस एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टू तो गिव यू दी मैक्सिमम आउटपुट ये बेसिकली एम सी क्यू ऑनलाइन प्रैक्टिस मॉक क्वेश्चन पेपर्स हैं एंड हर एक मॉक 120 ट्वेंटी मिनट्स का होता है हर मॉक में आपके पास टू अटैम्प्ट होंगे एंड ये टेस्ट सीरीज 180 एटी डेज के लिए वैलिड रहेगी अ टेस्ट कैन बी अटैम्पटेड ट्वाइस अनलेस अदरवाइज मैंशन हाउ एवर यू कैन रेफर टू द सोल्यूशंस एंड एनालिसिस ऑफ द टेस्ट एज मेनी टाइम्स एज यू वॉन्ट एट लॉ एसपेरेंस यू गैट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी आंसर विच यू फाइंड नो वेयर You get a detailed analysis report which evaluates your performance and gives you a better understanding. We also provide proper guidance and tips to students to help them resolve their queries and score higher. That was all from my side. You can to different websites, different guidebooks, videos, and in sabhi ko refer them. But please keep in mind self study is very important and most important. And with constant revision, you can crack it. You can visit our website for additional help. Like for online study material, you can visit Legal Bites. For test series, current affairs, and for more tips and tricks, you can visit Law esperance We wish you the best for your preparation and exam. Here the discussion comes to end. Soon I'll come up with the next video. Till then, keep working hard towards your goal and keep watching Legal Bites. Please do like share and subscribe the channel and also comment as it keep us spirited to go ahead along with the enhancement thank you